एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड के किंग खान हर दिवाली ईद पर अपनी मूवी रिलीज करते थे और कमाई के नए नए रिकॉर्ड कायम करते थे, लेकिन वक्त बदला और अब उनकी जगह ले ली बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने। और अब आलम यह कि शाहरुख खान सलमान खान से अपनी हर अगली मूवी में कैमियो की रिक्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो जीरो हो या कुछ कुछ होता है। लेकिन उनका स्पेशल कैमियो पठान में सबसे अलग है, बिकॉज यहाँ पर वो कोई डांस नंबर नहीं कर रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी की अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उनका टाइगर फ्रेंचाइजी का सुपरहिट किरदार अविनाश राठौर एंट्री मारने आ रहा है। यानी पठान के प्री क्लाइमेक्स में अब टाइगर भी आएगा और ऐसे वैसे नहीं आएगा, बल्कि प्री क्लाइमेक्स में फाइट सिक्वेंस को अंजाम देगा। बहुत ही हाई लेवल का ऑक्टेन सीक्वेंस प्लान किया जा रहा है और हॉलीवुड के जो बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर हैं एक्शन के, उनको रोप इन किया गया है, क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा इसमें एक विलेन है जिनका नाम है जॉन अब्राहम, और इनका विलेन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जो कि पूरे रॉ एजेंट की सिक्योरिटी पर भारी पड़ रहा है। और उसी मिशन को अंजाम देने के लिए पठान को मदद लेनी पड़ती है टाइगर की, और वहीं से एक यूनिवर्स क्रिएट होता है स्पाई यूनिवर्स का, जहां पर रॉ के सलमान खान और शाहरुख खान यानी पठान और टाइगर मिलकर एक विलेन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। कॉन्सेप्ट हॉलीवुड लेवल का है और कहीं ना कहीं आपको हॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर मूवी की याद दिलाएगा। लेकिन इंडिया में पहली बार हो रहा है तो पब्लिक के लिए एक्साइटमेंट होना ही है, जैसा कि ब्रह्मास्त्र में लोगों ने मार्वल्स वाली फीलिंग ले ही ली है। खैर, सलमान खान जब अपनी अपीयरेंस के साथ पठान में आएंगे तो पठान स्पेशल मूवी तो बन ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे मजेदार ट्विस्ट ये होने वाला है कि प्री क्लाइमेक्स का जो हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस है वो शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के बीच में नहीं है, बल्कि सलमान खान और जॉन के बीच में है। और ये दोनों बॉडी बिल्डर एक्टर जब फाइट करेंगे तो बड़े पर्दे पर आप इमेजिन कीजिए क्या सीन होगा। दोनों की फाइट सीक्वेंस इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज इससे पहले दोनों एक साथ या तो काम करने को अवॉइड करते हैं, ये काम करते भी हैं तो एक फ्रेम में नजर नहीं आते हैं। बाबुल में दोनों ने साथ काम किया, बट फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का सीन था। इसके अलावा सलमान खान जॉन से खफा रहते हैं बिकॉज उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ जॉन अब्राहम ने करियर के स्टार्टिंग दौर में कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी, यानी साया मूवी के टाइम पर उनको रिप्लेस करवा दिया था तारा शर्मा से, जिसको लेकर सलमान खान ने उनको काफी टाइट भी किया था। लेकिन बात भले पुरानी हो गई हो, पर सलमान खान अपने दुश्मनों को ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों की जो अपीयरेंस आमने सामने आएगी ये बहुत एक्साइटिंग भी होगी और बहुत ही डिस्टर्बिंग भी हो सकती है, बिकॉज सलमान खान बहुत मूडी मिजाज के एक्टर हैं। अगर वो चाहेंगे जॉन का सामना नहीं करना है तो कहीं ना कहीं वो झुकेंगे नहीं, बट चूंकि स्पाई यूनिवर्स है, यशराज का प्रेशर होगा, तो सलमान खान को थोड़ा अपना टेंट्रम डाउन करना पड़ेगा और प्री क्लाइमेक्स को स्ट्रॉन्ग टच देने के लिए जॉन के साथ नेकेड बॉडी 1-to-1 फाइट सीक्वेंस देना ही पड़ेगा, जो कि नो डाउट पब्लिकली बहुत ही सुपर ट्रीटमेंट होने वाला है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर जब दो बॉलीवुड एक्टर एक साथ टकराते हैं तो मूवी का एक्शन एक अलग लेवल का हो जाता है। तो पठान में शाहरुख खान से यहाँ चर्चा सलमान खान के कैमियो की हो रही है और जॉन के नेगेटिव किरदार की, और वैसे भी एक विलन के बाद जॉन अब्राहम का नेगेटिव शेड थोड़ा ज़्यादा ही निखर कर आ रहा है। तो देखते हैं पठान में सलमान और जॉन की जो जुगलबंदी है, जो भिड़ंत है, वो क्या रंग दिखाती है। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।